वाणी से, व्यवहार से, आचरण से और आंखों के चेहरे के हाव भाव से अपने माता पिता को प्रसन्न कर लिया, ऐसे पुत्र को दुनिया में किसी के पास आशीर्वाद लेने जाने की आवश्यकता ही नहीं है। आशीर्वाद का सागर घर में हिलोरे मार। आशीर्वाद तीन जगह से ही प्रकट होता है। माँ के चरणों से प्रकट होता है, पिता के चरणों से प्रकट होता है और गुरुदेव के चरणों से प्रकट होता है। बाकी आप ठोकरें खाते रहिए, कहीं कुछ मिलेगा नहीं। और सर्वोत्तम है माँ। पिता ने तो कभी कान भी ऐठे होंगे, पिता ने तो कभी डांट और फटकार भी की होगी। मैं मान सकता हूँ कि कई बार मन के भाव में अंतर आ जाता है, लेकिन माँ के पास तो ममता के अतिरिक्त, प्यार और दुलार के अतिरिक्त, आशीर्वाद और थपथपाहट के अतिरिक्त तो और कुछ है ही नहीं उसके पास। उसके पास ये कागज वाला धन नहीं है, उसके पास परम धन है। परम धन राधा नाम होता। जिसने माँ का आशीर्वाद ले लिया, उसके पास सारी दुनिया के आशीर्वाद स्वयं चले आते। माँ की भले ही सेवा मत करिए, भले ही माँ के कपड़े मत धोइए, भले ही माँ के पैर मत दबाइए, भले ही माँ के झूठे बर्तन मत उठाइए, भले ही माँ का बिस्तर मत बिछाइए उठाइए, कुछ मत करिए तो भी चलेगा। लेकिन माँ को डांट कर मत बोलिए, चिल्ला कर चीख कर मत बोलिए, आँख निकाल कर मत बोलिए, ऊंची आवाज में मत बोलिए। बस यही अगर कर लिया तो यही माँ पिता की सबसे बड़ी सेवा हो। जिस समय कोई भी बेटा अपनी बूढ़ी माँ को अपनी पत्नी और बच्चों के सामने आंख निकाल कर, चेहरा तमतमा कर, चीख कर, डांट कर बोलता है, माँ कुछ बोलती तो नहीं है, एक शब्द नहीं बोलेगी, लेकिन भीगी 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 अपनी आंखों से बेटे के उस तमतमाते चेहरे को देखती है और उसको प्रसव का दर्द याद आता है। उस समय जब बेटा चीखता है और फटकारता है, चुप रहा करो, बीच में मत बोला करो, तुम्हारा क्या काम, तुम क्या सुने, काम करो अपना, इधर नहीं आना। जब कोई बेटा अपनी पत्नी के सामने और बच्चों के सामने अपनी बूढ़ी माँ को ऐसे लताड़ता है, फटकारता है, एक शब्द माँ बोलेगी नहीं, लेकिन उस समय माँ को प्रसव का दर्द याद आता है। 1000 जहरीले बीछू एक साथ डंक मारे, उनकी जितनी पीड़ा होती होगी उतनी पीड़ा माँ को बच्चे को जन्म देते समय होती है, लेकिन माँ उस पीड़ा को बड़ी प्रसन्नता से सहन कर लेती है, क्योंकि उसको भरोसा है कि थोड़ी देर में मेरी गोद में बालक आएगा, मेरी सूनी गोद बालक से भर जाएगी। लेकिन वही बालक बड़े होकर जिसको इतने लाड़ प्यार से पाला, रात रात भर लिए बैठी रही, इन महात्मा के यहाँ जा, उन महात्मा के यहाँ जा, उन पंडित जी के यहाँ जा, उन वैद्य जी के यहाँ जा, उन डॉक्टर साहब के यहाँ जा, कितने कितने उस बालक के स्वास्थ्य के लिए माँ ने पापड़ बेले, फजीयत सही है। और वही बालक जवान होकर अपनी बूढ़ी माँ को जब फटकारता है, उस समय उसको वो प्रसव का दर्द याद आता है। कुछ नहीं बोलती, लेकिन पूरे दिन भोजन नहीं करती, कमरे में बैठी अकेली रोती रहती है, ये दिन भी देखना पड़ेगा। इसलिए मैं हमेशा ये कहता हूँ, मत सेवा करो किसी प्रकार की। आप बड़े लोग हैं, आपने नौकर चाकर रख दिए, अच्छी बात है, लेकिन कृपया वाणी से मत बोलो। माँ तो माँ होती है। हमने सुना है कि जब अकबर बादशाह मरे थे, ये उसकी माँ मरी थी अकबर बादशाह की, तो अकबर लगभग 60-65 साल के थे, माँ इनकी काफ़ी बूढ़ी थी, लगभग 90 के करीब थी, तो बहुत रोए बहुत रोए। तो सचिव ने कहा, सरकार आप जैसा बेटा जिस माँ ने दिया है भारत के लिए, शहंशाह बादशाह है इस देश का, और सबको जाना होता है, और पके आम थे, पका फल था, इनको तो जाना ही था भरा पूरा, और आप जैसे पुत्र को देकर जा रही है, तो इतना रोने से क्यों रो रहे हैं? अकबर ने कहा कि क्या ये मैं नहीं जानता हूं,
क्या ये मुझे मालूम नहीं है कि सबको जाना है और मुझे भी जाना है और माँ मेरी बूढ़ी हो चुकी है, जाने का समय, ये मुझे मालूम नहीं है क्या? फिर ये रो क्यों रहे हो? अकबर ने कहा, मैं केवल इसलिए रो रहा हूं कि मुझे शहंशाह कहने वाले, बादशाह कहने वाले दुनिया में हजारों लोग रह गए, लेकिन अक्कू कहकर प्यार से बुलाने वाला अब कोई दुनिया में नहीं है। मेरी माँ मुझे अक्कू कहकर। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।